हनुमान जी उठे, अंगराई ली, झुक करके धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। तो आप सब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आज मैं बाल रामायण का, है ना, बाल राम कथा का कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो एक्चुअली में जो चैप्टर है उसका नाम है लंका में हनुमान। और मैं जानता हूँ कि ये आज का चैप्टर आप सारे स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पर बच्चों को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हनुमान जी की तरह तरह की शरारतें, उछल कूद, है ना, ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक चैलेंज आ गया था कि अब जहाँ पर सारी की सारी वानर सेना खड़ी थी वहाँ से लंका के बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। अब चैलेंज ये था कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो सुग्रीव की वानर सेना की टोली में जामवंत थे, वो जानते थे कि हाँ इस काम को इस सेना में से सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वो हैं हनुमान। हनुमान जी के पास में इतनी शक्ति है कि वो एक छलांग लगा करके यहाँ से या उड़ करके यहाँ से लंका पहुँच सकते हैं। लेकिन बात है कि हनुमान जी के अंदर में ये शक्ति थी, लेकिन हनुमान जी को पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं क्या, इतनी लंबी कूद लगा सकते हैं क्या। तो यही हम लोगों ने पढ़ा भी कि वो उठे, अंगड़ाई ली, झुक करके धरती को प्रणाम किया और एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा पड़े हुए। हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाने में जामवंत की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये बात मैं सारे स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चे हैं, सबके अंदर में कोई ना कोई यूनिक बात है। टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम है, स्कूल के लोगों का काम है कि उस बच्चे के अंदर में उस शक्ति को पहचानें, उसको डेवलप करें, नॉरिश करें, है ना। बच्चा हीरा है, उसे पॉलिश करें, उसे उसकी शक्तियों की याद दिलाएं। तो पर्वत शिखर पर खड़े होकर के हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था, राम के प्रति समर्पण। समुद्र यह देख करके डर गया क्योंकि उसकी गरिमा, उसका प्राउडनेस नष्ट होने वाला था। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुक करके उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए, कुछ दूर हनुमान के साथ गए। जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं, वैसे ही कुछ बड़े शिलाखंड, बड़े पत्थर उनके साथ में भी उड़े। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था लेकिन नीचे की घाटी बड़ी मनमोहक थी। उसमें बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, लताएं थी तो काफ़ी सुंदर पत्ते भी होंगे, फूल भी खिले होंगे, फल भी होंगे शायद। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, दरकने का मतलब है क्रैक हो जाना। वृक्ष कांप करके गिर गए, जंगल थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे कि अरे ये क्या हो गया, कौन सी विपदा आ गई। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, जमीन में से पानी निकलने लगा तो कहीं धुआं उठने लगा। चट्टानें दहक उठी, लाल हो गईं आग के शोलों की तरह से, जैसे कि धरती के अंदर से कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। तो ये सारी बातें हुई जब हनुमान जी ने छलांग लगाई। हनुमान इन सब से बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, हिलने डुलने लगता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, पर्वत का नाम था मैनाक। मैनाक सुनहरा पर्वत था, चमकता हुआ। वह जल राशि को चीर करके ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें, रेस्ट कर लें, है ना। ऐसा सोचा कि हनुमान जी कहीं थक गए होंगे, लेकिन हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदिच्छा, सदिच्छा का मतलब है अच्छी इच्छा, बाधा लगी, डिस्टर्बेंस लगी कि भाई वो राम काज
करने को तत्पर हैं, उड़ करके जा रहे हैं लंका सीता माता का पता लगाने, और ये पर्वत उन्हें डिस्टर्ब करने आ रहा है। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ के ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया, वह कुछ और ऊपर उठ करके उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आई, है ना, ऑब्स्टेकल्स। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर था उसका, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र हनुमान ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुस करके वो निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम था सिंहिका, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई को पकड़ लिया था। सोचो क्या कैपेसिटी थी उस राक्षसी के अंदर में, कि जिसकी परछाई को पकड़ ले वो व्यक्ति ही हिलना डुलना बंद हो जाए उसका। तो जल में उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली और वो अचानक आसमान में हनुमान जी ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। अब गंतव्य, गंतव्य का मतलब है मंजिल, डेस्टिनेशन, ज़्यादा दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी, रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान जरा सा भी नहीं थी, रंच मात्र भी नहीं। इतनी लंबी यात्रा का उनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे, उन्होंने पहले कभी देखा तो नहीं था। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए और चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, जैसे कि आंखों में दूरबीन लगी हो। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, सुवासित उद्यान। सुवासित उद्यान का मतलब है ऐसा उद्यान, ऐसा बगीचा जिससे खुशबू आ रही हो। भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे कि राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, राक्षस भी भले इतने सुंदरता के प्रेमी होते हैं, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक डिटेल्स अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि लौट करके भगवान श्री राम को, जामवंत को, वानर सैनिकों को बता सकें, है ना। और वो इसलिए भी ये डिटेल्स भर लेना चाहते थे ताकि सीता जी की खोज आसानी से कर पाएं। तो कह लो कि वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि किसी बड़े मैप का स्कैनिंग कर रहे हैं। दिन के समय में लंका में प्रवेश करना हनुमान को जस्टिफाइड नहीं लगा। लगा कि भाई कोई भी देख लेगा, रोक लेगा, टोक लेगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो उन्होंने प्रतीक्षा की, शाम तक उन्होंने वेट किया समुद्र तट पर ही, और शाम ढलने के बाद में उन्होंने नगर में प्रवेश किया। उनके सामने में पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड सीता, वेयर इज सी, सीता माँ कहाँ पे हैं। उसका विराट नगर में, उस विराट नगर में, लंका बहुत बड़ी नगरी थी, तो वहाँ पर एक महिला को ढूंढना ये काम आसान नहीं था, और वो भी जो कि रावण की कैद में हो। तो हनुमान जी वृक्षों डालियों से कूदते फांदते नगर के बीचों बीच पहुँच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी, रावण ने उन्हें छिपा करके रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, सबकी आंख बचा करके वो चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे, तो उन्होंने निकट जा करके एक एक चेहरा देखा कि कहीं उनमें कोई सीता जी तो नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। तो अब वो रावण के कक्ष में चले गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, लेकिन सीता जी नहीं थी वहाँ पे। हनुमान जी ने सोचा कि न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है रावण ने। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे हैं, पशुशालाएँ भी देख ली जहाँ जानवरों को रखा जाता था। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे थे तो वो परेशान थे। तो थोड़ा सा वो दुखी हो गए और सोचने लगे कि रावण ने अवश्य ही सीता को कहीं छिपा दिया है किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, उन्होंने ये तय किया। अंतापुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, सोने का रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतापुर से लगी एक वाटिका की तरफ गया। वाटिका बगीचा, वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। अशोक का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, बड़े अच्छे लगते हैं, करीने से सारे पत्ते झुके हुए से होते हैं।
आकाश छूने को आतुर इतने ऊंचे ऊंचे पे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ करके वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने अभी चेक नहीं किया था। उन्हें लगा कि सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा भला। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए और तब तक दिन चढ़ाया मतलब सवेरा होने लगा, तो ऐसे में उन्हें उतरना अच्छा नहीं लगा। पेड़ घना था तो वे उन पत्तों में छिप गए जहाँ से अब कुछ भी नहीं दिखता था, है ना। वो देख सकते थे लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था, हनुमान जी को। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। अट्टहास का मतलब है जोर जोर से हंसने की आवाज़। और ये हंसी किसकी थी? ये राक्षसनियों के हंसने की आवाज़ थी, राक्षसियाँ। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थीं। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही थीं, ताने मार रही होंगी शायद। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए और ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी हुई है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त, जैसे कि दुख मना रही हो। यही माँ सीता है, हनुमान जी ने अपने मन में सोचा। तो अब उन्हें कोई संदेह नहीं था, उन्होंने सीता माता को ढूंढ लिया था। अब मिलने की बारी थी। राक्षसियाँ वहाँ थीं, हट ही नहीं रही थीं, और हनुमान उतावले हो रहे थे कि भाई मुझे जल्दी से मिलना है। पर नीचे उतरने में डर था शोर शराबा होने का, स्वयं उनके लिए भी, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, बिल्कुल राजसी ठाठ बाट के साथ, दासियों के सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर ऐसे लौटा तो मैं भगवान राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा। नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था तो वो डाल से चिपक गए सांस रोक करके, है ना, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण आया, उसने सीता जी को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, फिर डराया भी, है ना। लेकिन सीता जी डिगी नहीं। वह डर से कांप तो रही थी पर उन्होंने रावण की एक न सुनी। उन्होंने रावण का तिरस्कार किया, रावण से कहा कि तुम्हें, रावण ने अब सीता जी को जरा सा इस तरीके से कांपते देखा तो रावण ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। सुमुखी का मतलब सुंदर मुख वाली। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, आई विल नॉट टच यू, जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। उसने, रावण ने पहले तो कहा कि डरो नहीं और फिर डराने की बात कर रहा है कि तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं, ऐसा कहा रावण ने। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा। तुमने अपराध किया है, तुम दोषी हो, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गहरी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को फिर से घेर लिया और वो डराने धमकाने लगी। वो कह रही थी कि तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। अरे ये रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में से एक राक्षसी थी त्रिजटा। वो सबसे भिन्न थी, थोड़ी अलग सी थी। अब भाई साधुओं में भी सबके सब साधु तो नहीं होते ना, कोई अलग स्वभाव का हो सकता है। तो राक्षसियों में से भी एक कोई थी जिसका अलग स्वभाव था। उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियाँ बंध गई, वह रोने लगी। देर रात तक राक्षसियाँ एक एक करके चली गईं। अब सीता वाटिका अकेले में थी। सीता जी अशोक वाटिका में बिल्कुल अकेले थी। तो ये बढ़िया मौका था हनुमान जी के लिए, लेकिन हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। उन्होंने सोचा कि मैं उतरूं और मुझे देख करके कहीं सीता जी मुझे राक्षस न समझ लें, है ना, मायावी न मान लें, उन्होंने ऐसा सोचा। तो फिर पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा वाचना शुरू किया, राम कथा कहना शुरू कर दिया, जिसमें राम का गुणगान हो रहा था। रावण की लंका में राम की चर्चा और गुणगान, राम का भजन सुनकर के सीता चौंक गईं।
उन्होंने ऊपर देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी और पूछा कि कौन हो तुम। हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया। उन्हें ये मौका अच्छा लगा, उन्होंने राम की अंगूठी उन्हें दी और कहा कि हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर सेवक, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को लेकर के सीता के मन में अब भी शंका थी, डाउट था। अब शंका होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने पर्वत पर फेंके सारे आभूषणों की याद दिला करके सीता जी का ये संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, है ना, लक्ष्मण के बारे में पूछा और भी कई सारे प्रश्न पूछे। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठा करके राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने ये प्रपोजल डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। तो अब हनुमान ने सीता जी से विदा लेनी चाहिए। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक और आभूषण उन्हें दे दिया ताकि वो हनुमान जी राम जी को ये दिखा करके साबित कर सकें कि हाँ, वो सचमुच में सीता से मुझसे मिल करके गए हैं। अब विदा लेते समय में सीता जी की आंखें थोड़ी सी नम थीं। हनुमान जी ने कहा कि निराश न हो मातें, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। वो जो 2 महीने का डेडलाइन दिया हुआ था ना रावण ने। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच करके वो ठहर गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, पेड़ों को उखाड़ दिया, पटक दिया और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली भी मारे गए। रावण से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी अपने प्राण गंवा बैठा। तो ये कर बैठे हनुमान। अब रावण के पुत्र को जब उन्होंने मार दिया तो बाकी सारे राक्षस भागे भागे राजमहल में आए रावण को ये खबर सुनाने। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का, एंगर का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा। मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी है। ये रावण का दूसरा पुत्र था, ये उसका सबसे बड़ा बेटा था। मेघनाद को भेजा और कहा कि उस वानर को मेरे सामने में उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है, है ना, जघन्य, बहुत बड़ा अपराध। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को भी हरा चुका था मेघनाद। उसने अंततः हनुमान जी को बांध लिया और राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा कि कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। हनुमान जी के मन में डर जरा सा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, आप श्री राम की पत्नी सीता को किडनैप कर ले आए हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया था, मैं उनसे मिल चुका, अब आपके दर्शन करना चाहता था, इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम उत्पात करना पड़ा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, दंड के भागी तो राक्षस हैं कि उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा तो रावण का जो छोटा भाई है विभीषण, वो बड़ा विवेकशील व्यक्ति था, विद्वान आदमी था, उसने रोक लिया। उसने कहा कि राजन, आप नीतिवान हैं, नीति के अनुसार दूत का, मैसेंजर का वध करना, उसकी हत्या करना अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है, धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते, ऐसा कहा हनुमान जी ने। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी, जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने सारे बंधन, जिन चीज़ों से उन्हें बांधा गया था, वो सब के सब बंधन उन्होंने तोड़ दिया। एक भवन पर चढ़ करके सॉरी उसमें उन्होंने आग लगा दिया। एक दूसरी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए उन्होंने सारे भवन जला दिए। लंका में हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी अब धू धू करके। अब जो राक्षस
हनुमान जी को तंग कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, वो सबके सब अब विलाप कर रहे थे, है ना, देवर क्राइम, रो रहे थे सबके सब। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई, वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच जाए। सीता सकुशल थी, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, आग से अप्रभावित। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, उड़ पड़े राम के पास वापस। अब यहाँ दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, अंगद, जामवंत और बाकी सारे वानर। आते ही जैसे ही हनुमान जी वहाँ पर लैंड किए, सब ने उनको घेर लिया, सीता से भेंट करने का क्रम बताया और कहा कि मैंने उन्हें देखा, मैंने उनसे बात की और ये समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुँचना चाहिए, समय अधिक नहीं है, क्योंकि उनके मन में भी 2 महीने की डेडलाइन की याद थी। तो अब ये सारी वानर सेना किलकारियाँ भरने लगी खुशी से, प्रसन्नता से वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार के कई वन उजाड़ डाले, फल खाए और फेंके, और वो दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुँच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर के सुग्रीव वहाँ पहुँचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया हुआ आभूषण दिखाया। राम की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो सचमुच में सीता के ही आभूषण हैं। उन्होंने हनुमान से कई सारे सवाल पूछे कि वो कैसी हैं, कैसे रहती हैं, कोई संदेश भेजा है क्या। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही और कहा कि मैंने उनसे भेंट किया है, वो व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आएंगे तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। ये बात सुनकर के राम शोक में डूब गए, भाव विह्वल होकर के, इमोशनल होकर के उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण, समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग अलग दिशाओं से नहीं जाना था, सबका लक्ष्य एक ही था, एक ही दिशा थी, भारत के दक्षिण की ओर जाना। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठ करके युद्ध की प्लानिंग की, योजना बनाया कि कैसे हम लोग लड़ाई करेंगे। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर उन्होंने पूरी सेना का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई कि उसे कैसे पार करेंगे, क्योंकि सेना का हर वानर हनुमान तो नहीं था, सारे सैनिक यहाँ से वहाँ कूद लगा करके या उड़ करके तो नहीं जा सकते थे ना, ये एक चुनौती की बात थी। देर रात तक इस पर चर्चा चलती रही। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसका नाम था लंका में हनुमान। और मुझे लगता है कि ये एपिसोड बच्चों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स और भी ज़रूर डालना, वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, इनक्रेज करेगा, और मैं आपके लिए इस तरह के और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स, ऑडियो भी, वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि लंका पर विजय कैसे प्राप्त हुई, उसमें हनुमान जी ने कैसे हेल्प किया, सुग्रीव ने कैसे हेल्प किया राम और लक्ष्मण का।